वाली वेबसाइट है वो सारी वेबसाइट पर देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ इन्फॉर्मेलिंग के सेटअप किस तरह से किया जाता है, नहीं किया जाता है। जैसे ये वाली वेबसाइट है, इसका जो है परमालिंक सेटअप नहीं है, ठीक है। एसईओ से रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे परमालिंक जो है आपको सेटअप करना चाहिए। अगर आपकी न्यूज़ की वेबसाइट है तो यहाँ पे आप डेट के बजाय यहाँ पे कैटेगरी होना चाहिए। या अगर कैटेगरी नहीं रखते हैं तो उससे डायरेक्ट टॉपिक रख लेते हैं तो बेटर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें कैसे करेंगे ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी आपका क्या नाम है का उसका ऑन पेज में ही आता है, SEO का ऑन पेज में आता है। तो कुछ लोगों को तो पता है, कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो इसलिए अब इसको देख लीजिए कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। जब इसका आप सेटअप करेंगे परमालिंक का, तो आप सेटिंग पे आएंगे। अगर वर्डप्रेस पे काम करें तो सेटिंग पे आएंगे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे एक परमालिंक का ऑप्शन दिख रहा, ये परमालिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं, या फिर चाहें तो पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यानी आपका domain.com/postsample, ठीक है। तो आप ये रखना चाहें ये रख सकते हैं। अगर आपको कैटेगरी रखना हो तो आप जो है यहाँ पे ये हटा के सबसे पहले आप रखेंगे कैटेगरी, ये कैटेगरी आ गया। उसके बाद आपका पोस्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आ गया पोस्ट आईडी, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिकॉग्नाइज के लिए पोस्ट आईडी रखिए, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। बट अगर आप नहीं रखना चाहते हैं पोस्ट आईडी, तो आपके आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को रख सकते हैं, फिर उसमें एसईओ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी ये आ गया, इस तरह का आ रहा कि कैटेगरी है, उसके बाद यहाँ पोस्ट आईडी आ गया, उसके बाद ये टॉपिक आ रहा है। तो इस तरह से रखना नहीं है, क्योंकि एसईओ में इतना ये जो है काम ज़्यादा नहीं करता, अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसके लिए बेटर वही है कि आप डायरेक्ट पोस्ट नेम ही रखिए, या कैटेगरी पोस्ट नेम रखिए, आईडी ना रख के, या आईडी जो मैंने अभी रखा था ये ना रख के, बेटर है कि आप पोस्ट नेम ही रखिए, ठीक है। सेव कर दीजिए। अब ये उर्दू में आ रहा है, तो सेम इसी तरह अगर उर्दू में आप रैंक करना चाहते हैं तो उर्दू में रखें परमालिंक। लेकिन परमालिंक बेटर ये होता है कि आप जो है इंग्लिश में रखें या फिर रोमन में रखें। अगर आप रोमन में रखते हैं तो उसमें दो फायदे हैं, चाहे वो इंग्लिश में सर्च करें या हिंदी में सर्च करें, वो क्या आप या उर्दू में सर्च करें या रोमन में सर्च करें, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका रैंक हो जाएगा, टॉपिक रैंक हो जाता है। क्योंकि गूगल को जो रोमन पढ़ना आता है, गूगल के जो क्रॉलर है उनको भी पढ़ना आता है, उर्दू को भी पढ़ना आता है, तो इसलिए उर्दू थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर रोमन में रखते हैं इस चीज़ को, अगर आप रोमन में रखना चाहें, अगर आप टॉपिक अरबिक में, उर्दू में या किसी भी दूसरे जबान में लिखना चाह रहे हैं, बट आप जो परमालिंक है रोमन में रखना चाह रहे हैं, तो आप रोमन में रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एडिट करके इसको अपडेट करेंगे, ये रोमन में हो जाएगा। इस तरह से ये रोमन का जो ये ऑप्शन आया। अब इसके बाद की जो बात थी कि अब हमें एक वीडियो पोस्ट करना था, यानी एक हम यूँ समझ लीजिए कि आप हमें इसके इस पोस्ट के रिगार्डिंग हमें बैकलिंक वगैरह बनाना हो, या फिर इसका ऑफ पेज ऑन ऑफ पेज अगर हम एसईओ करेंगे तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये ऑन पेज था, ऑन पेज में मैंने कह रहा है एक ही वीडियो मैंने समेट दिया है। इसके अंदर बहुत सारे और चीज़ें हैं, ऑन पेज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो खैर इन सारी चीज़ों में अभी मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। ऑन पेज में एक और चीज़ आती है कि ऐसे लिंक बिल्डिंग का होता है, कि आप लिंक बिल्डिंग किस तरह से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो आप देखना पड़ता है। मतलब यही वेबसाइट इस में ये टॉपिक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड जहाँ जहाँ पे आपको टॉपिक मिल रहा है, तो उस टॉपिक से जाके आप क्या करें इसको लिंक बिल्डिंग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसका भी एक वो मिल रहा है, जैसे अब ये है Udemy.com है, ये बहुत फेमस फेमस वेबसाइट है।
आप यहाँ पे इस वेबसाइट से अगर आप चाहें तो लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा क्या ये लिख सकते हैं, रिव्यू वगैरह कर सकते हैं, और रिव्यू वगैरह करके अपने पोस्ट का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। सेम इसी तरह का आपका कोरा है, कोरा वाली वेबसाइट है, और ये कोरा की तरह से बहुत सारे रिव्यू वेबसाइट है। तो रिव्यू साइट्स के नाम से आप सर्च करें गूगल में तो बहुत सारे साइट्स आपको मिल जाएंगे। रिव्यू साइट्स, बहुत सारे साइट्स आपको मिल जाएंगे। इन सारे साइट्स में जाके आप उसका क्या रिव्यू कर सकते हैं, उस पोस्ट का रिव्यू कर सकते हैं, या वो ब्लॉग ब्लॉग का लिंक डाल सकते हैं, या फिर उसका लिंक लिंक छोड़ सकते हो वहाँ पे। तो इस तरह से आप बहुत तरह से आप क्या करना, बैक लिंक वगैरह बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। इसका सोशल बुक मार्किंग का ऑप्शन है, तो अब सोशल बुक मार्किंग में आपको क्या करना है कि इसको आप फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों में शेयर करेंगे। तो शेयर ऐसा कीजिए कि आपका जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक का लिंक कहीं पे किसी तरह से बिगड़ ना पाए, इस चीज़ का ख्याल रहे। आप पेज पे भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप वहाँ पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो अपने ऊपर पड़ता है, मैं दोनों चीज़ें में दिखा देता हूँ, जो पेज पे किया किस तरह से किया जाएगा और ग्रुप में किस तरह से किया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी इसमें ग्रुप में क्या कर दिया, तो हर नॉर्मली चीज़ है, कोई हर हर कोई जानता है इसको। इसके अलावा यहाँ पे मुझे जो पेज पे करना है, और पेज पे करने के बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा अभी कुछ देर में, जो वो पोस्ट जो हमने डाला है वो पोस्ट कहाँ पे है, किस जगह पे हमारे ये फेसबुक पे कहाँ पे रन हो रहा है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि ये द लर्न टुडे, इसके बाद आप ट्विटर का भी सेम इसी तरह का वाले, ट्विटर में क्या होता है कि आप यहाँ से एक लिंक लिंक वगैरह जो है उसमें सिर्फ लिंक ही जाता है। एक मिनट देख लेते हैं उसमें क्या गया है, लेकिन अगर आप इसको मैन्युअली ट्वीट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ये पोस्ट अभी आ चुका है, नहीं ये तो पहले का, ये आया है, ठीक है। ये पोस्ट अभी सही दिख रहा है, इस तरह से भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहे तो आप अपना कस्टमाइज के हिसाब से डालना चाहते हैं तो डाल सकते थे। डिजिटल मार्केटिंग को ये अपने मेन कीवर्ड है, तो वो चीज़ अगर भी अगर आपको डालना चाहते तो डाल सकते थे, कोई इशू नहीं था। बट ये ठीक है, अब ये शेयर इसी तरह से इसको कर देना है। लेकिन इसका अगर आप कार्ट बनाना हो तो वो कार्ट किस तरह से बनाएंगे वो अलग चीज़ है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। इसके अलावा सेम इसी का भी पिंटरेस्ट का भी है, तो पिंटरेस्ट में क्या होता है, बोर्ड बनाना होता है। आपका जो टॉपिक है उस टॉप से रिलेटेड आपको क्रिएट बोर्ड बोर्ड करना होता है। सपोज के ये आपको इस तरह से बोर्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई फोटो या टॉपिक या इस तरह से कोई कीवर्ड इसमें दिया हुआ नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट्स करके जो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, यानी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड जहाँ जहाँ पे भी आर्टिकल्स हैं या पोस्ट है या फिर कोई बैनर है, तो वहाँ पे उन लोगों की चीज़ आप रैंक में, जैसे ये बंदा है यहाँ पे, देखिए 10 अमेजिंग फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टू हेल्प यू, ये वाले जो है इस पे आप अपना चाहें तो अपना कमेंट कर सकते हैं, और उसमें उस कमेंट्स में जाके अपना लिंक छोड़ सकते हैं। जैसे कमेंट्स किस तरीके से करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ एक बार, ऐड फोटो।
वहाँ पे उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा लिखिए, अगर आप उस टॉपिक के बारे में कुछ पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत लिखिए, और लिख के अपना लिंक वहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है, किसी भी तरह से जैसा भी हो सके अपना लिंक वहाँ पे छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आप आपका लिंक भी जब उसका टॉपिक दिखेगा तो आपका भी वो फोटो दिखेगा उस साथ साथ, तो हो सकता है कि वो फोटो ही रैंक हो जाए, या ऐसा ही हो सकता है कि उस टॉपिक पे ही वो रैंक हो जाए, जो आपने जो वो डाला है कीवर्ड डाला है तो वो कीवर्ड ही रैंक हो जाए। तो इस तरह का लिंक आप यहाँ, ये लिंक बिल्डिंग है जी, इसी को कहते हैं, अब इस लिंक बिल्डिंग भी यहाँ से इस तरह से किया जा सकता है। उसका लिंक्डइन का भी, तो लिंक्डइन का भी तो इसी तरह का ही, लिंक्डइन का भी है, वहाँ पे भी इसी तरह का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव जो टूल्स होता है वो आपके SEO का, फेसबुक का है और ट्विटर ही का है, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने ट्विटर में ये पब्लिश किया था कुछ देर पहले, इस कीवर्ड से रिलेटेड पब्लिश किया था। अब मैं अब ये देखना चाह रहा हूँ कि ये कीवर्ड किस पोजीशन में, किस जगह है ट्विटर में, किस जगह दिखता है, अगर मैं देखना चाहूँ तो वो मैं देख सकता हूँ। तो देखिए अभी इसमें कहीं दूर दूर पे हमारा ये पोस्ट ये आया है, ठीक है। यहाँ पे एक अभी कितने नंबर पे, 7वें 8वें नंबर पे है, तो खैर ये अब एक 7वें 8वें नंबर पे है। बट अगर आप चाहें तो इसी कीवर्ड से कीवर्ड को जो है आप फर्स्ट पे भी ला सकते हैं। ये कैसे आएगा, जब गूगल के क्रॉलर के जो है उसको बार बार गूगल क्रॉलर जब उसको क्रॉल करेगा, या फिर कुछ ग्रुप्स हों, या चाहे कुछ फ्रेंड्स हों, उस फ्रेंड से कहें कि इससे आप इसको ओपन करके देखिए, जब इसमें बार बार इसको ओपन किया जाएगा, या फिर लोग जब इसमें इंगेज हो जाएंगे इस पोस्ट में, तो उसमें क्या होगा कि जल्दी ये रैंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह का अगर आप फेसबुक में देख लें तो फेसबुक का क्या पोजीशन है आप वो भी देख सकते हैं, फेसबुक में किस तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा है। और फेसबुक में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आप उसमें टीम वर्क करा जाए। टीम वर्क करने का मतलब कि आपके जो भी रिलेटेड ग्रुप्स हैं, या फिर फ्रेंड्स हैं, या पेज हैं, उन पेज में डिफरेंट डिफरेंट पेज में क्या किया जाए चीज़ों को, लेकिन ध्यान रहे कि स्पैमिंग के मकसद से ना हो। स्पैमिंग कभी मत क्या कीजिए, मतलब एक ही टाइम में आप बार बार शेयर करते रहें किसी ग्रुप में किसी फ्रेंड्स को, नहीं ऐसा नहीं। एक यूज़र से वन टाइम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 या फिर 8-9 ऐसे ही तक शेयर करें, ज़्यादा शेयर मत कीजिए। अगर आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो गूगल के जो वो होते हैं क्रॉलर होता है, या फेसबुक के जो टीम्स होते हैं, वो टीम जो क्या करते हैं उसको रिमूव कर, उस आर्टिकल को रिमूव कर देते हैं एज ए स्पैमिंग की वजह से, ठीक है। जैसे अब ये पोस्ट है, यहाँ पे मैंने यहाँ ये इस उसमें डाला था, पेज में डाला था, तो पेज पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पोस्ट पे सबसे पहले ही दिख रहा है फिलहाल, पोस्ट पे पहले ही दिख रहा है, जो ये पोस्ट में से पहले पहले आया हुआ है, मैंने इससे पहले किसी ने पोस्ट नहीं डाला है, सबका पेज है, पेज है और ग्रुप है, ठीक है। यानी अगर आप यूँ पोस्ट पे के चेक करेंगे अच्छा पेज वाइज दिखा रहा, हर इसी तरह के आप जैसे आप कोई फ्रेंड्स हो, कोई क्या नाम है रिलेटिव कोई बंदा हो, या कुछ ग्रुप्स हो, तो उन ग्रुप्स में भी डालेंगे तो इस तरह का वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात इसके इसके जो का आगे के जो हमें ब्लॉग कमेंटिंग की बात करें, तो ब्लॉग कमेंटिंग किस तरीके से किया जाता है, आर्टिकल सबमिशन किस तरीके से किया जाता है, इसके बहुत सारे क्या प्लेटफॉर्म है। आर्टिकल सबमिशन के लिए सबसे बेटर जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन का आपका कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आप ये आर्टिकल सबमिशन वगैरह कर सकते हैं। वो उन वेबसाइट में से बहुत सारे वेबसाइट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको पेड वेबसाइट्स हैं। तो जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाली वेबसाइट की अगर हम बात कर ले तो उसमें काम जो है कम होता है, लेकिन इफ़ेक्टिव वो इतना नहीं होता जितना पेड वाले में होता है।
बट ये कोरा डॉट कॉम ये आर्टिकल सबमिशन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप चीज़ें बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हाउ टू पब्लिश अ पेज आर्टिकल, तो कोरा डॉट कॉम पर यही सिस्टम है कि आप यहाँ पे जो पोस्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, या फिर आर्टिकल जो आप सबमिट करेंगे वो किस तरह करेंगे। जो आर्टिकल आपने ये लिखा यहाँ पे लिखा है, सेम इसी आर्टिकल को आप अगर जल्दी रैंक चाहिए तो आप यहाँ पे कोरा डॉट कॉम में भी डाल सकते हैं। यानी ये आपको यहाँ पे ये देखिए सर्च कीजिए कि आपने जो लिखा है इसको किस किस तरह से लोग सर्च करते हैं कोरा डॉट कॉम में। कोरा डॉट कॉम के अगर ट्रैफिक की बात करते हैं, यहाँ पे मिलियन के आसपास ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा इसके ट्रैफिक है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे किस किस तरह सर्च किया जाता है। इन जगहों में जाके आप अपना लिंक या आप अपनी ये वेबसाइट का URL या कीवर्ड तो वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा और साइन इन करके आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा डिटेल से बताऊंगा जब आप SMO का काम करेंगे तो इसका किस तरह से किया जाता है, नहीं किया जाता है, इसका पूरा मैं डिटेल से मतलब बताऊंगा और वहाँ पे ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से कोरा डॉट कॉम पर वेबसाइट को आर्टिकल को सबमिट करने के बाद हम उसको रैंक कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी दिखाऊंगा। तो एक कहने का मतलब कि कोई एक काम से सब कुछ नहीं हो सकता है, तो धीरे धीरे ये आपको मल्टी काम करना पड़ेगा, तब जाके वो पोस्ट या वो आर्टिकल आपको रैंक होगा। ठीक है, इसी तरह से इसका अपना वो बनाना है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के अब इसका यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ऐड अ क्वेश्चन, अगर आपके में दिमाग में कोई क्वेश्चन है या किसी क्वेश्चन का जवाब देना चाह रहे हैं, जैसे अब ये है व्हाट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे अगर आप अपने आर्टिकल सबमिट करना चाह रहे हैं या अपना पोस्ट करना चाह रहे हैं, कमेंट्स करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। आप अपना मेन टॉपिक उठाइए और उसमें आपने जो लिखा है जो क्या चीज़ें हैं कोरा डॉट कॉम नहीं है उसके बारे में आपने दिया है। फॉर मोर इन्फो यहाँ पे ज़्यादा नहीं देना है, उसके बाद आपके यहाँ पे ये लिंक दे देना है। ठीक है, उसके बाद ऐड कमेंट पे क्लिक कर देना। एक सूरत तो ये है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं जो कोई अपना लिंक वगैरह दे के अपना आगे कर ले, लेकिन बेटर ये है कि आप इसमें 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा मत जाइए। 2 लाइन से ज़्यादा जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको लिंक नहीं दिखेगा, ये वाला लिंक दिखता नहीं है, तो जो फर्स्ट में जो लिंक होता है वही लिंक को ज़्यादातर लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे अब मैं इसी चीज़ को फिर दोबारा सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ग्रुप्स में भी अगर आप वो ज्वाइन होना चाहें तो आप ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं, उनके ग्रुप्स के आप ग्रुप्स के जो फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड से आपस में बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करके उनका प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जो सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे की चीज़ें इसमें, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे हाँ, कोशिश ये करें कि अपना लिंक छूट ना पाए, जो भी जहाँ पे यहीं कुछ भी डालिए कहीं पे भी, लेकिन अपना लिंक जो है छूट ना पाए, लिंक ज़रूरी है। और इस अंदाज से लिखिए ताकि उनको ये भी पता ना चले कि वो स्पैमिंग कर रहा है या फिर का नाम है ऐसे बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको इस अंदाज से लगे कि हाँ उन्हीं के लिए, उन्हीं के बेटर के लिए कर रहे हैं या उन्हीं की अच्छाई के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए बेटर। जैसे यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, देखिए इन्होंने जो किया है
कि पहले बीच में इन्होंने लिंक दे दी, इन्होंने टॉपिक के बारे में देखा, उसके बाद इन्होंने क्या नाम लिंक दे दिया, वेबसाइट का लिंक दे दिया है कि आप उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके उनकी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं उनके टॉपिक्स को। यहाँ पे देखिए इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग स्कूल्स, तो यहाँ पे इन्होंने कहा ये एसईओ से रिलेटेड या कुछ चीज़ें इन्होंने कहा पेड चीज़ें रखी हैं, वो पेड चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख के आप बाय करना चाहे बाय कर सकते हैं, किसी को शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं, ये भी इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपको क्या करना है नहीं करना है। तो ये जैसे अभी के मैं यहाँ इसके यहाँ से आया जो कोरा.com से मैं इस तक पहुँचा, तो इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो कोरा.com में विजिट करते हैं और वो विजिट करके चीज़ों को देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वो आगे यहाँ पे खरीद इस तरह से खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट बनी हुई आपका वर्डप्रेस से ही बनी हुई वेबसाइट है, इनका भी इसी तरीके से एसईओ किया गया है। अब इनकी अगर ट्रैफिक की बात कर लें तो ट्रैफिक इसका क्या अच्छा, न्यू वेबसाइट है, इसमें ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, सेम इसी तरह से ये चीज़ें भी किया जा सकता है। उसके बाद अगर आर्टिकल सबमिशन का हो, यानी आप पूरे पूरे आर्टिकल को सबमिट करें किसी ऐसे थर्ड पार्टी में जहाँ पे वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रहा हो, ठीक है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो जो आर्टिकल सबमिशन का, तो वो मैं डिटेल से बताऊंगा, उसमें तकरीबन 20-25 डोमेन ऐसे लूंगा जो का आर्टिकल सबमिशन के लिए बेटर होता है, कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसको बताने की। और ये अभी तक जो मैंने बताया ये चीज़ें ऑन पेज ऑफ पेज ये ज़्यादातर काम करता है। इसके बाद के जो प्रोसेस होता है कि आप इसके इस आर्टिकल का जैसे मैंने कल बताया था कि आप वीडियो भी बना के आप डाल सकते हैं, ताकि वहाँ पे क्या नाम है वीडियो पे रैंक हो जाए, तो ये वीडियो आप फेसबुक में भी डाल सकते हैं, ट्विटर में भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप टिकटॉक पे भी डाल सकते हैं, लाइकी पे भी डाल सकते हैं, फिर और क्या नाम है फेसबुक के पेज पे भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन आप कौन सा चूज़ करते हैं, आप जहाँ पे भी चूज़ करें लेकिन आपको कीवर्ड ध्यान रहे कि आपको वही रहना चाहिए जो आपका मेन कीवर्ड है। ठीक है, ये सपोज कि मैं ये काफ़ी करके दिखाता हूँ, इसमें अगर आपको एसईओ का करना हो किससे रिलेटेड, मैं अभी कोई सा भी वीडियो ले रहा था, वीडियो मैंने बनाया नहीं है और उसको मैं फिर डिलीट कर दूंगा, जैसे ये वाले वीडियो है मैंने इसी वीडियो पे ले लिया। अच्छा, ये वीडियो जो मैं लिया इसको इससे पहले भी आपको यहाँ पे ये नाम चूज़ करना चाहिए था, नाम को ही डालना चाहिए था ताकि उसमें वो बेटर होता। ठीक है, तो आपको यहाँ से ले लीजिए, अब वीडियो का जब नेम है वो नेम भी आप वही रखेंगे, डालने से पहले मैंने वो नेम डालना भूल गया, डाला नहीं। अब यहाँ पे आपको वही टूल्स काम आएगा जो रैपिड टैग के नाम से मैंने कल आपको बताया था, वो टूल्स भी काम यहाँ पे काम आएगा, हाउस टूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस तरह के नाम से आप चीज़ें करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग जो आपके वेबसाइट का नाम है, अगर आप वो डाल देते हैं उस कीवर्ड के आगे डाल देते हैं या फिर कोई बैक में डाल देते हैं, या आप अपना नाम डाल देते हैं, आपका जो भी नाम है उस वो नाम डाल देते हैं, या डोमेन का नाम डाल देते हैं, कुछ भी कहीं पे भी वो डाल देते हैं, तो वो चीज़ें रैंक होने में बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा आप क्या करें कि आपका जो मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप हैशटैग के नाम से डाल दें, तो हैशटैग डालने के दो दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस तो ये है कि आप हेडिंग में डाल दें, दूसरा प्रोसेस इसका ये है कि आप हेडिंग के अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालें। ठीक है, जैसे ये है मैं हेडिंग पर नहीं डालूंगा इसको, इसके डिस्क्रिप्शन में ले लेता हूँ। ये कीवर्ड जो है ये जो टैग्स वगैरह है, तो ये टैग्स आप बेटर है कि आप इसके अंदर डाल दें,
डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हटा के रिमूव कर देता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि ये टैग मैंने यहाँ पे डाल दिया। और इसके साथ साथ आप इसको कोशिश कीजिए कि आपके जो टैग्स के जो कॉलम है उस टैग्स के कॉलम में भी ये चीज़ें आ जाए। ठीक है, इसमें असल में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इसमें डाल रखे हैं तो ये वेबसाइट के रिगार्डिंग है। एक बात का और ध्यान रहे कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर आना ज़रूरी है। ये हैश के नाम से भी आप इसी चीज़ को यहाँ पे भी डाल सकते, टैग पे भी डाल दीजिए। ठीक, और ये कीवर्ड जो था ये कीवर्ड देख लीजिए, अगर आपका है आपने डाल दिया है तो नहीं डालना है, और अगर डला हुआ है तो बार बार इसको मत डालिए। जैसे मैंने देखा कि आप मैंने डाल रखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के नाम से, ये ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक थंब की बात आती है कि एक थंब हम डालें ऐड करें इसको, यहाँ पे एक थंब ऐड कर लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ। यहाँ पे जो थंब हो वो थंब भी उसके बाद आप कोई ग्रुप्स वगैरह हैं आप ग्रुप्स में या कोई प्ले लिस्ट है तो प्ले लिस्ट आप बना लीजिए, या बना हुआ उस पर आप डालना चाहे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसका अगर आप करना चाहें कि लोकेशन को किसी लोकेशन को खास करना चाहें या फिर कुछ सजेशन टूल यूज़ करना चाहें, जैसे अब ये कीवर्ड है इस कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड आपको चूज़ करना हो तो वो चीज़ें भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये सजेशन कीवर्ड मतलब आपकी जो ये टैग है उस टैग से रिलेटेड कीवर्ड अगर आपको मिल जाता है और वो गूगल में किस तरह से रैंक करता नहीं करता है वो चीज़ें अगर देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के नाम से कुछ है, सोशल मार्केटिंग के नाम से, तो जो चीज़ें इस पे हैं वो चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन जो आपके रिलेटेड हैं तो वो आप ऐड कर दीजिए, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मेरे केस में यहाँ पे 500 से ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करें, इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइटल दोनों सेम रखें, नीचे को भी रखें, और उसके बाद नीचे यहाँ पे इसका पूरा बायोडाटा, जो भी आपका बायोडाटा है इसका डिटेल वगैरह है जितना भी है आप उसको वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे और एड स्क्रीन ये कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। फिर मैं अभी इसको सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, तो इसको मैं अभी सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद सेम वही प्रोसेस है कि इसका ये जहाँ जहाँ आपको शेयर करना हो, बहुत सारी जगह हैं जहाँ जहाँ शेयर करना हो आप शेयर कर लीजिए, या शेयर करके उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाइए, फेसबुक में, ट्विटर में, इस तरह की चीज़ों में उसको करके पहुंचा सकते हैं। बट बात यह है कि जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली तो अब ये गूगल में रैंक करेगा नहीं करेगा, कब करेगा, किस तरह करेगा, तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये 2-3 दिन जब हो जाए, 2-3 दिन होने के बाद उस पर अपडेट्स करते रहिए, थोड़ा बहुत ही कुछ सही कहीं पे कुछ चेंजेस करना हो थोड़ा बहुत आप वो चेंजेस कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी जो टैग डाला था ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के नाम से लर्न टुडे, इसके इस तरह से टैग डाला हुआ था, तो यहाँ पर अगर हम बाय टैग अगर हम सर्च करके देखते हैं तो बाय टैग इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, बट हमने जो अभी डाला है वो अभी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ये मेन टॉपिक है, इस टॉपिक पे मतलब हाई इसका वो है वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम की वजह से इसमें अभी दिख नहीं रहा, बट अगर आप लो वॉल्यूम लेके चलते तो लो वॉल्यूम में उसमें बहुत जल्दी दिख जाता। ठीक है, ये तो खैर टैग की सूरत है इस तरह से आपको अभी हो रहा। और इसके अलावा अगर आप जो हमने कीवर्ड डाला है उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम सर्च करके देखते हैं जिससे क्या रिजल्ट है वो भी पता चल जाएगा। ये तो आ गया, ये टॉप पे आ गया फिलहाल, गूगल पे तो टॉप पे आ गया, बट कोई ऐसा नहीं होता कि आपके नाम से सर्च करे, वो उसको जो काम है मेन काम है वो काम ही से वो सर्च करेगा बंदा।
ठीक है। तो आपको करना ये है, आपको मेन काम जो आपका डिजिटल वर्क है, जो मेन कीवर्ड है, आपको उसको मेन कीवर्ड ही से रैंक करना है। तो डालने से पहले आप ये देख लिया कीजिए, जैसे कि ये लोग, इन लोगों ने जो डाल रखा है और टॉपिक जो डाल रखे हैं इस कीवर्ड में, तो उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं, या फिर क्या रीज़न है कि उनके टॉपिक जो टॉप पे आ रहा है। तो इसके कई एक रीज़न हो सकते हैं। एक तो उन्होंने जो कीवर्ड यूज़ किया है, वो कीवर्ड हो सकता है कि वो आपसे बेटर कीवर्ड यूज़ किया हो, तो आप चाहें तो यहाँ से इस कीवर्ड को कॉपी भी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं। तो हाँ, आपके केस में इस तरह का नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ मेरे केस में आ रहा है, आपके केस में शायद नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए आप अपने जो डोमेन है या फिर आपका जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में एक ट्यूब बडी के नाम से या एक वो इंस्टॉल करनी पड़ती है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखेगा, ये आपका ट्यूब बडी, ये एक्सटेंशन होता है। इसी एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग आप जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये एक्सटेंशन होता है, ये जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, अभी मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए नहीं दिखा रहा, बट आप केस में जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जहाँ ये इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि आपने जो वीडियो डाला है और वो वीडियो जो रैंक है, ऑलरेडी वीडियो जो रैंक है, उस वीडियो पे जाके आप वहाँ पे कमेंट्स कीजिए, सेम उसी तरह कमेंट्स कीजिए जैसे कि मैंने कोरा.com का बताया। तो उस तरह वहाँ पे भी आप कमेंट्स कीजिए और उसमें आप अपना लिंक छोड़ दीजिए, या फिर कोई लाइव होता है, अगर आप यूट्यूब में अगर किसी चीज़ का रैंक करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, मतलब विद इन 3 आवर 4 आवर में आप रैंक करना चाहते हैं, तो जो लाइव वाले हैं आप जो आपके टॉपिक से रिलेटेड या आपके कोर्स से रिलेटेड या फिर आपके कोर्स से रिलेटेड जो लाइव कमेंट लाइव वाले हैं, लाइव जो चैनल वगैरह चलता रहता है, उन सारे चैनल में आप उसमें अपना लिंक बार बार शेयर कीजिए, और जैसे ही लोग बार बार उसको ओपन करके देखेंगे नए नए ब्राउज़र में, तो वहाँ से भी जल्दी वो टॉपिक जो है रैंक हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि आप वहाँ पे अपना वीडियो का जो लिंक है, यानी आपका पोस्ट को भी अगर आपको रैंक करना हो तो उसको उसका लिंक भी आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। तो हमने जब भी डाला था, हमने यहाँ पे वीडियो का लिंक, पोस्ट का लिंक नहीं डाला शायद, यहाँ पे हमने लिंक नहीं डाला था। लिंक अगर आपको डालना हो, बल्कि बेटर है कि आप इसमें डाल दें, यहाँ पर लिंक भी डाल दीजिए, कोई अच्छा रहेगा। तो खैर, ये जो क्या आप जो भी आप ये कीवर्ड है, उस कीवर्ड से रिलेटेड वर्ड थोड़ा बहुत आप आगे ऐड कीजिए, अपना वर्ड ऐड कीजिए, जैसे यहाँ पे आप इंग्लिश भी डाल सकते थे, इन इंग्लिश, उसके बाद आप अपना जो नाम है, डोमेन है, चैनल है, उस चैनल का नाम डाल दीजिए। तो इस तरह के भी चीज़ें करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद आप 2 दिन 3 दिन में इस चीज़ को आप अपडेट कीजिए, ऑटोमेटिकली ये जो है रैंक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपडेट्स ज़रूरी है ताकि गूगल को ये पता चले कि हाँ, इस पे कुछ काम, नया काम होता रहता है। सेम यही प्रोसेस आपके पोस्ट में भी है कि आप पोस्ट में जब 2 3 दिन हो जाए तब आप उस पोस्ट को थोड़ा सा अपडेट कीजिए, जैसे कि अभी ये पोस्ट है, ये पोस्ट अभी 10 15 दिन के बाद मैं इसमें थोड़ा अपडेट करूँगा, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, कुछ चीज़ें हटाऊँगा, कुछ चीज़ें इम्प्रूव करूँगा, तो हो सकता है कि ये पोस्ट जो है आपका रैंक में आ जाए। ये डेफिनेटली इस तरह से रैंक में आने की ज़्यादा क्या उम्मीद होती है, ठीक है। तो खैर, आज बस इतना ही, फिर कल मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो ये फॉर्म सबमिशन है, गेस्ट पोस्टिंग है, यूडिया एजुकेशन के जो वेबसाइट से जो लिंक लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों के मैं बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी तक कल और आज की वीडियो में जो बताया गया है या बताया हूँ, यही ज़्यादातर जो है यूज़ किए जाते हैं SEO के लिए, अगर वर्डप्रेस पे आप काम करते हैं तो, और इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके
आप अपनी पोस्ट को आप अपने क्या इसको वेबसाइट को अच्छे से अच्छे रैंक करना कर सकते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूटी ज़रूरी है, ये नहीं कि आप एक ही दिन पूरा दिन भर काम कर लिए उसके बाद पूरे महीने छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है। आप आधे घंटे कीजिए, 10 मिनट ही कीजिए, बट अगर उसको आप रेगुलर बेस पर थोड़ा 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 करते रहेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट होता है बमुकाबले ये कि आप एक ही दिन में सारा काम कर लें। ठीक है, तो रेगुलर बेस पे करें, थोड़ा सा ही टाइम दें बट रेगुलर बेस पे करें, तो उससे गूगल को ऐसा लगता है कि नहीं ये जो अपडेट्स होता रहता है ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इनको हमें फर्स्ट फर्स्ट पे दिखाना चाहिए। तो खैर इस चीज़ का ख्याल रखिए।